गुड मॉर्निंग डियर पीपल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पे घर पे देखिए कितनी सारी सब्जियाँ आ गई है। और ये सब्जियाँ ना हम लोग खरीद के भी नहीं लाए, हमारे घर के गार्डन के बाद ही एक नदी है वहाँ पे ये सब्जियाँ ना ऐसे उग जाते हैं, तो वहीं से पापा लेके आए। तो यहाँ पे काट भी लिया गया इसको और मम्मी ने दोपहर की जो खाने की तैयारी है वो शुरू भी कर दी है। तो एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद ही तुरंत जो दोपहर का खाना है, जो लंच है, उसकी तैयारी हम लोग सब मिलकर शुरू कर देते हैं। तो हम सब भी मम्मी की मदद करते हैं। तो इसी बीच देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा तूफान आने वाली है, एकदम काला जो बादल है पूरा छा गया है। तो अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। अभी क्या है, रेनी सीजन है ना, तो इसके वजह से ना ऐसे बादल हमेशा ही आसमान में घूमते रहते हैं और कभी भी बारिश आ जाती है। वैसे काफ़ी अच्छा वेदर है। और देखिए गाइस, इसी बीच ये बारिश भी शुरू हो गई है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए हमारे गार्डन की सब्जी है। तो इसके बाद ना यहाँ पे मैं जो डिश है उसको वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी की मदद भी करना बहुत ज़रूरी है ना, उनको अकेले अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो ग्लासेस वगैरह है मैं धो रही। और ये हमारा ना बाहर की तरफ जो बाथरूम है, बेसिकली हम जो जब चूल्हे में खाना बनाते हैं मम्मी, तो इस बाथरूम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एरिया भी थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे खुला भी है, तो इसीलिए धोने में अच्छा है। हमारे घर पे अरे यहाँ पे रोटी भी बना रही है करते, और ऑयल वगैरह ऐसा कुछ खाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। देखो गाइस, यहाँ पे कैटलॉग है सनमाइका का। तो पहले मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया था, लेकिन इन दोनों में से ये वाला तो मिला है, लेकिन ये वाला नहीं मिला है, काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला है। तो अभी इसके साथ एक कलर सिलेक्ट करना होगा हमें, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और मम्मी ने भी ये वाला सिलेक्ट किया है, और ये वाला पापा ने सिलेक्ट किया है, और ये वाला ना भाई ने सिलेक्ट किया है। ये वाला भी काफी अच्छा लग रहा है इसके साथ, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है और पापा को ये वाला। और भी है इसमें बहुत सारे देखो, लेकिन वुड कलर ही सबसे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है दूसरे कलर के कंपैरिजन। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये वाला भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ ना उतना मैच नहीं होगा ये। तो दो कलर मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसके हिसाब से मुझे दोनों का जो है मैचिंग रखना होगा। देखो यहाँ पे भी काफी वुड कलर है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, और ये सब ग्लॉसी ही है। तो पहले भी मैंने ग्लॉसी सिलेक्ट किया था, तो अभी इसके साथ ग्लॉसी मैच होगी। हाँ गाइस, ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ कितना मैच होगा ये पता नहीं, क्योंकि ये वाइट है, तो इसके साथ डार्क वुड कलर ही अच्छा लगेगा। देखो गाइस, सारे यहाँ पे प्लाई वगैरह सब है और काम ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सनमाइका जो है वो अवेलेबल नहीं था, हमने जो सिलेक्ट किया था दोनों में से एक अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी सिलेक्ट करने के बाद फिर वो लोग लाएंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा यहाँ का। और इस वार्डरोब का जो है वो सनमाइका प्लाई वगैरह सब कुछ सेट कर दिया गया है, और अभी लगाना बाकी है, बाकी कम्प्लीट है। ये देखिए यहाँ पे दो पीस है, ये दोनों डोर है वार्डरोब का। तो देखो गाइस, मैंने ये वाला सनमाइका सिलेक्ट किया है वार्डरोब के लिए। देखो ये ग्लॉसी है, मुझे काफी पसंद है, और यहाँ पे ना शाइनिंग भी कर रहा है, ये गोल्डन कलर से बॉर्डर किया हुआ है, तो इसके लिए काफी सुंदर दिख रहा है। और गाइस देखो, यहाँ पे हारमोनी रखा हुआ है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ आगे। ये मेरा रूम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ही रहना ज़्यादा पसंद है, चाहे जैसा भी हो। तो मैं जब भी रिलैक्स करने आती हूँ तो इधर ही आती हूँ, क्योंकि अभी मिस्त्री लोग नहीं है, तो इसलिए आ जाते हूँ यहाँ पे। तो अभी शायद दो एक दिन में काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि सनमाइका जो है वो आ जाएगा, हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद कुछ ही दिनों में मेरा रूम कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखो गाइस, दो कैटलॉग है यहाँ पे, ये वाला पहले दिया था उन्होंने और ये वाला फिर से भेजा, दोनों फिर से भेजे, क्योंकि ये वाली जो है ना ये मिली नहीं है, और ये इसके साथ जाएगा वुड कलर।
तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे बैठ के ये सनमाइका सिलेक्ट कर रही हूँ, और इसी बीच मेरे मम्मी के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया जो रॉन्ग नंबर है, और इधर उधर पूछ रहे कहाँ से हो क्या है। तो मैंने तो दो चार बातें सुना के रख दिया, अभी फिर से कॉल कर रहे तो मैंने पापा को दे दिया, पापा से ही बात कर रहे। और यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी चाय, तो मुझे ना मिल्क टी पीना ज़्यादा पसंद है, मैं रेड टी ज़्यादा पीती नहीं हूँ बचपन से ही। मैं ना 5 या 6 साल की थी पता है, तब से मैं चाय बनाना सीख गई हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले ना पीने नहीं देते थे, तो मैं वो लोग बना के नहीं देते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं खुद ही बना लेती थी, क्योंकि वो लोग देने नहीं वाले, चाय पीना अलाउ नहीं होता, तो इसीलिए मैं सोचती कि मैं खुद ही बना लेती हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा और मैं पी भी लूँगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंडाइजेशन कुछ लगता नहीं है। लोग नॉर्मली इसलिए नहीं पीते मिल्क टी ज़्यादातर बंगाल में, क्योंकि उनको लगता है कि इससे काफ़ी इंडाइजेशन हो जाता है, तो इसलिए, लेकिन थैंक गॉड मुझे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 3 भाई बहन ही चाय पियेंगे, इसलिए 2 कप में हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि मैं पानी भी ऐड करूँगी, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसके साथ मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी, मुझे ना थोड़ा लाइट चाय ही पसंद है, मिल्क के अंदर थोड़ा पानी डाल के, मुझे ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है। और ये देखो गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, राउंड शेप में आता है, हमारे यहाँ काफ़ी अवेलेबल होता है ये, इसको हांडी बोलते होंगे शायद, तो इसमें बना रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी दूसरे बर्तन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे पैन वगैरह, तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो गाइस ये बर्तन ना हमने खरीदे नहीं है, तो ये घर पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तो उसी में गिफ्ट्स के तौर पे मिला है। तो नॉर्मली ये मेटल जो है ना उतनी अच्छी भी नहीं होती है सेहत के लिए, तो इसलिए इसमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमारे घर पे है बहुत सारा है ऐसा, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो चलो अभी गैस को ऑन कर लेती हूँ जल्दी से। हाँ ये हो गई है, तो अभी जब तक ये दूध थोड़ा सा गर्म होगा तब तक मैं इसमें अदरक डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसके बाद चाय पत्ती डालूंगी। और गाइस यहाँ पे देखिए गेहूँ रखा हुआ है, यहाँ पे थोड़े ही है और दूसरी जगह रखे हुए हैं, ये हमारे खेत के ही है, पहले हम लोग तो खेत में नहीं उगाते थे, ऐसे लोगों को देख के रखा था, वो लोग उगाते थे वगैरह ऐसा, या फिर ऐसे रहते थे खेत। तो अभी क्या है, अभी तो आपको पता ही है ना कैसे मिलावटी ज़माना आ गया है, मतलब खाने के सामान में इतना ज़्यादा मिलावट हो रहा है ना, केमिकल वगैरह, तो इसलिए अभी मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन पापा ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग ना अपने खेत पे फसल उगाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने गैस जो है ना बंद कर दिया था, क्योंकि कॉल आया था एक, तो पहचान वाले थे, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे थे, वही मैं डिस्कस कर रही थी, तो अभी तो बात मैंने कर ली है, तो अभी चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये पहले से गर्म था इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद अभी चाय पत्ती डाल देती हूँ मैं, अभी 1 मिनट में उबाल आ जाएगा इसमें। देखो गाइस यहाँ पे गेहूँ की सफाई हो रही है, ये ना बैम्बू से बना होता है, तो गांव में ये काफी अवेलेबल होता है। देखो यार वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हो गया, सारा दूध गिर गया इधर से, क्या करें अभी, चलो आगे से ध्यान रख के करना पड़ेगा, क्लीन करती हूँ। लो अभी मैंने क्लीन कर लिया है, तो अभी फिर से ऑन करती हूँ, ऐसा ही होता है वीडियो बनाना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम के अंदर, बात करते रहना ध्यान इधर उधर हो जाता है। अब देखिए इसमें उबाल आ गई, अभी चीनी डाल के गैस बंद कर दूंगी, अभी इसको ज़्यादा देर तक नहीं उबालूंगी, क्योंकि चाय पत्ती देने के बाद ना ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए, इससे ना चाय जो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि चाय वैसे खतरनाक चीज़ होती है यार। देखो अभी चाय जो है बन गई है, वाव काफ़ी लाइट है और थोड़ा सा हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि चाय कभी हेल्दी होता ही नहीं है, तो अभी मैं डाल देती हूँ कप में, तैयार इधर से। तीन भाई बहन के लिए 3 कप्स। भाई तुम्हारा हो गया क्या चाय पीना, हो गया नहीं हुआ अभी तक, तो चलो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी सिस्टर जो है चाय पी के खत्म कर दी इसने पूरी, क्यों कैसा बना है, अच्छा बना है क्या, अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत, मैं तो हमेशा अच्छा हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। देखो गाइस मैंने भी कुछ देर पहले बोला था कि यहाँ पे ये वाला कलर है, ये वाला कलर है और एक कलर है ये वाला, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करूंगी, तो ये वाला सिलेक्ट करूंगी ऐसा बोला था,
और एक व्हाइट कलर के साथ। अभी चेंज हो गया थोड़ा, वो व्हाइट कलर का नहीं लगा रहे हम लोग, वो इसके साथ ना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, तो अभी इसके साथ हम ये वाला लगाएंगे। ये दोनों काफी अच्छा लग रहा है, तो हमारे गुजरात के घर में भी ये दोनों लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों काफी अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ गुजरात के फोटो है हमारे घर के, तो यहाँ पे देखिए उस फर्नीचर का काम आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लाई का जो काम है कितना प्यारा लग रहा है और कितना क्लासी, मतलब बहुत ही अच्छा एकदम मैच हुआ है व्हाइट कलर के साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ फोटोज ही है, तो मुझे वीडियो ऐसे फ़ोन पे मिला नहीं, शायद दूसरे फ़ोन पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी टेबल पे, तो पराठा और चाय के साथ, और यहाँ पे देखिए सीलिंग है जो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारे घर के खिड़की से ये व्यू दिखता है डे का, और ये नाइट का व्यू कितना प्यारा लगता है। और मैं ना यहाँ पे इस गैलरी पे बहुत टाइम तक खड़ी रहती थी, जब भी मुझे टाइम मिलता था रिलैक्स होती थी, और इस गैलरी के सामने ये वाला प्लेस आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। तो इस कलर के बारे में पता भी है, इसलिए हमने ये वाला जो ऊँट का जो प्रिंट है ना सनमाइका के ऊपर, ये वाला सिलेक्ट किया है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, और काम पूरा ख़त्म होने के बाद भी आप सबको वीडियो दिखाऊंगी। तो मैंने अपने रूम के डोर के लिए भी सिलेक्ट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रिंटेड है, ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला लाइट वुड कलर है, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा यूनिक लग रहा है ये। यहाँ पे देखिए और भी सारे हैं, यहाँ पे देखिए ये फ्लावर वाला है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए था। अगर आप लोगों को चाहिए तो ऐसा आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने रूम के लिए। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये तो प्योर वुड कलर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फर्नीचर भी बना हुआ है। आप लोग भी जब फर्नीचर करवाओ तो कैटलॉग को अच्छे से देख लेना, अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो कलर गड़बड़ हो जाती है ना, तो पूरा रूम गड़बड़ हो जाती है।